एसएसपी आशीष तिवारी ने किया पुलिस कंप्लेंट ऑन ब्लॉकचेन वेब पोर्टल लॉन्च। इससे जनपदवासी घर बैठे शिकायत करा सकेंगे दर्ज। बताएं इसकी खासियत, एक बार जब कोई डाटा हुआ दर्ज तो उसे बदलना मुमकिन नहीं, अर्थात रहेगी पूरी पारदर्शिता। फिरोजाबाद एसएसपी आशीष तिवारी जनपद में निरंतर कानून व्यवस्था बेहतर बनाने को प्रयासरत हैं। इसी के चलते आए दिन कोई न कोई कदम सुधार की दृष्टि से उठाते रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने पुलिस कंप्लेंट ऑन ब्लॉकचेन वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें घर बैठे जनपदवासी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसको लेकर पुलिस लाइन सभागार में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित प्रोजेक्ट है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यय भार नहीं आया है। बताया इस समाधान में कई कमियों को दूर किया गया है। इसमें एक बार सूचना दर्ज करने के बाद उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, किसी भी तरह के डाटा को स्टोर करके रखा जा सकता है। बताया यह फ्री ऑफ कॉस्ट है। खास तौर से सभी थानों में इसके QR कोड लगवाए गए हैं। जो भी पीड़ित आए वह QR कोड स्कैन करके फॉर्म भर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फिरोजाबाद की जनता की शिकायतों को लेकर इसे बनाया गया है। देखिए, ये जनता के शिकायतों का निस्तारण सरकार की सर्वप्रथम प्रायोरिटी है और फिरोजाबाद पुलिस की भी ये प्रायोरिटी है। तो इसमें जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, उसमें खासतौर से ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए एक पायलट पोर्टल जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें ये पुलिस कंप्लेंट ऑन ब्लॉकचेन .in नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया, जो विशेषतः फिरोजाबाद की ही शिकायतों के लिए है। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, उससे फ़ायदा ये है कि जब भी कोई कंप्लेंट जो दर्ज होती है तो उस कंप्लेंट को किसी भी तरीके से मिटाया नहीं जा सकता, जिसको हम बोलते हैं डेटा इम्यूटेबल है, ये चेंज नहीं हो सकता। तो यदि एक बार किसी ने कंप्लेंट दर्ज करा दी तो उसको हम स्वयं भी, ना पुलिस विभाग ना उस कंप्लेनेंट, कोई भी उसको मिटा नहीं सकता है। और उस पर ट्रांसपेरेंसी, जो एक पारदर्शिता होती है, उसके लिए ये खासतौर से बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये एक जो नया पोर्टल है इसको लॉन्च किया गया। इसकी ज़रूरत महसूस हो रही थी। इसमें खासतौर से सभी थानों में जो हेल्प डेस्क हैं उन पर QR कोड भी लगवाए गए हैं। तो जो भी लोग आते हैं वो QR कोड का स्कैन करके वहाँ पर इमीडिएटली उनके मोबाइल पे जो लिंक है वो खुल जाएगी और उस पर इमीडिएटली अपना फॉर्म भर के वो कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। तो इसमें खासतौर से ये जो पोर्टल बनाया गया है, इसमें airchains.io ये जो पोर्टल है उसके फाउंडर अंकुर सिन्हा, कृतार्थ अग्रवाल और पॉलीगॉन टेक्नोलॉजी, इन सभी ने जो है इसको बनाने में मदद की है। और इसको जो चला रहे हैं वो हमारे स्मार्ट सेल के कर्मचारी हैं अंकित वर्मा और अमित उपाध्याय लखनलाल, इन्होंने इसको पूरा ऑपरेशनलाइज किया है। और IIIT के हमारे एक इंटर्न हैं आदर्श सिंह, उन्होंने भी इसको बनाने में मदद की है। इस पोर्टल में खासतौर से बात यह है कि जब भी हम कोई कंप्लेंट मिलेगी, किसी भी पब्लिक की कंप्लेंट कोई भी हमको मिलती है, तो इसका स्टेटस भी वो पोर्टल में देख सकते हैं कि कंप्लेंट किसको असाइन हुई है, किस पॉइंट तक पहुंची है, किस हल्का प्रभारी को मिली है, किस बीट कांस्टेबल को मिली है। और जब कंप्लेंट कंप्लीट हो जाती है तो उनको नोटिफिकेशन भी आता है कि ये कंप्लेंट जो है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। और ये समयबद्ध है, इसमें 7 दिन के समय के अंदर में कंप्लेंट का निस्तारण करना ही होता है। अदरवाइज़ जो उच्च अधिकारी हैं उनको भी अलर्ट आ जाते हैं कि ये जो कंप्लेंट है, इस कंप्लेंट पर अभी तक नियम संगत जो कार्रवाई जो है वो अभी तक नहीं हुई है, तो वो भी हम मॉनिटर करते हैं। तो इस तरीके से सिस्टम अपने आप में ही चीज़ों को बताता है और एज ए अधिकारी हमको मॉनिटरिंग करने में सहूलियत होती है और पब्लिक को भी घर पर बैठे बैठे इसमें न्याय मिल सकता है। इसमें जैसे हमने अब ये भी शुरू किया है कि UP 112 की जो गाड़ियाँ जा रही हैं, यदि कोई ऐसी घटना होती है जिसमें FIR स्वयं देख के तुरंत दर्ज करने की आवश्यकता प्राप्त होती है, तो उसमें भी हम लोग अब FIR आपके द्वार जो हमारी योजना है उसमें हमने इसको चालू किया है। जो PRV है वो जब जाता है।